हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फोर्थ पार्ट करने लगा हूँ, जिसमें मैं डिस्कस करूँगा प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरेटिकली भी इंपॉर्टेंट होता है, ये डायरेक्टली हमें पेपर में आ जाता है कि डिस्कस द प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो फर्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, परफेक्टली सिमेट्रिकल एंड बेल शेप्ड। परफेक्टली सिमेट्रिकल का मतलब है जितनी इस साइड है उतनी दूसरी साइड है, मीन के दोनों साइड बराबर हिस्से होंगे और ये बेल शेप्ड होगी। तो इसमें एक और चीज़ जो मैंने लिखी हुई है कि अगर इसको वर्टिकल एक्सिस पे फोल्ड कर दिया जाए, मान लो ये बेल है, बेल को फोल्ड कर देंगे तो जितनी ये साइड निकलेगी उतनी ये साइड निकलेगी, तो ये दोनों साइड कोइंसाइड कर देंगी, एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगी। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा था कि परफेक्टली सिमेट्रिकल होती है और बेल शेप्ड होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, और यूनिमॉडल। यूनिमॉडल मतलब ओनली वन मोड। जब भी हम इसका मोड निकालेंगे तो मोड सिर्फ एक ही निकलेगा, बार बार इनकी वैल्यूज चेंज नहीं होंगी। थर्ड पॉइंट आ जाता है इक्वालिटी बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड। तो मतलब ये जो पॉइंट है इसके ऊपर मीन, इसके ऊपर मीडियन और इसके ऊपर मोड, तीनों के तीनों बराबर होते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है एसिम्प्टोटिक टू बेस लाइन, मतलब ना ही ये इधर टच करेगी और ना ही ये दूसरे एक्सिस पे टच करेगी। तो नॉर्मल कर्व हैज़ अ टेंडेंसी टू टच, टेंडेंसी होती है कि टच करेगी, बट इट नेवर टच, ये कभी भी टच नहीं करती दोनों साइड्स। नेक्स्ट जो इसका रेंज होती है वो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी होती है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी तक जा सकते हैं नंबर और यहाँ तक प्लस इन्फिनिटी तक इसके नंबर जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है टोटल एरिया। टोटल एरिया अंडर द कर्व इज वन, मतलब इस सारी की सारी कर्व के अंदर देखें तो एरिया कितना है, 1.5 इधर है और 0.5 इधर है, क्योंकि दो पार्ट्स में डिवाइडेड है ना, हाफ हाफ। तो नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं और कहते हैं ऑर्डिनेट। द ऑर्डिनेट ऑफ द नॉर्मल कर्व इज नॉर्मल कर्व एट द मीन इज मैक्सिमम, मतलब जो ऑर्डिनेट्स होते हैं इसके अंदर, जो ये मीन है इसके ऊपर जो ऑर्डिनेट्स हैं वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम है, ठीक है। मीन के सामने ही मैक्सिमम होते हैं। और मीन ऑर्डिनेट, द मीन ऑर्डिनेट डिवाइड्स, वही बात जो मैंने पीछे बोली कि जो मीन है वो डिवाइड करती है पूरी की पूरी कर्व को टू इक्वल पार्ट्स में, मतलब 50% एक साइड और 50% दूसरी साइड। तो इसमें ये है कि 50% इधर मतलब 0.5, क्योंकि एरिया अंडर द कर्व इज वन, पूरे कर्व के अंदर तो वन एरिया है, तो आधा इधर हो गया आधा दूसरी साइड हो गया। नेक्स्ट है इक्वी डिस्टेंस ऑफ क्वार्टाइल्स, इसके अंदर जो क्वार्टाइल्स होते हैं वो इक्वी डिस्टेंस होते हैं। तो इसमें क्या है, इसका ये फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए, Q3 माइनस मीडियन इट इज इक्वल्स टू मीडियन माइनस Q1, मतलब Q1 एंड Q3 मीडियन से इक्वल फर्क पे होते हैं। मान लो यहाँ पे Q1 आ गया, यहाँ पे Q1 आ गया, यहाँ पे Q3 आ गया, तो कहने की बात ये कि जो मीडियन से बराबर दूरी पे रहते हैं Q1 एंड Q3। नेक्स्ट आ जाता है, ओहो ये तो उड़ गया यहाँ से, कोई बात नहीं। नेक्स्ट आ जाता है 10th, क्वार्टाइल डेविएशन। जब भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है तो क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है, 2/3 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको स्टैंडर्ड डेविएशन दे देते हैं और दूसरा कह देते हैं दूसरा निकालो। और मीन डेविएशन, मीन डेविएशन इज 4/5 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इसमें आपको मीन डेविएशन दे दिया और कह दिया स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, या स्टैंडर्ड डेविएशन दे दिया कह दिया मीन डेविएशन निकालो और क्या कहते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कर्व का ऐसा पॉइंट होता है जिसमें कर्व अपनी स्पीड चेंज कर देती है। और जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है वो क्या है, मीन माइनस वन स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन प्लस। तो बेसिकली कई बुक्स में इसको ऐसे भी लिखा हुआ है कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है इसका मीन प्लस माइनस वन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो बेसिकली ये है ना, मीन माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये जो पॉइंट है इसके ऊपर कर्व ने अपना वो चेंज कर लिया है डायरेक्शन, तो इसीलिए इसको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहा जाता है। इस डायग्राम में हल्का सा नहीं दिखा रहा, मगर बाकी डायग्राम में देखोगे तो वो प्रॉपर ऐसे करेगा तो आपको खुद ही पता लग जाएगा कि ये जो वन प्लस माइनस वन स्टैंडर्ड डेविएशन थे इस पे कर्व ने अपना जो शेप है वो चेंज कर लिया है। नेक्स्ट है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंटिन्यूस वेरिएबल। ये तो भाई डेफिनेशन ही मैंने करवाई थी कि ये उन वेरिएबल्स पे अप्लाई होता है जो कंटिन्यूसली अपने आप को चेंज करते रहते हैं। कॉन्स्टेंट्स, इसमें कॉन्स्टेंट कौन से आ जाते हैं, मीन जिसको स्मॉल एम कहते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्मॉल सिग्मा एंड वेरियंस, ये तीन कॉन्स्टेंट्स हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के। और इसके मेन पैरामीटर्स क्या हैं, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। क्यों, क्योंकि मैं पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूँ ग्राफ वाले में कि मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन की वजह से इसकी शेप होती है। अगर मीन स्टैंडर्ड डेविएशन चेंज हो गया तो इसकी ये जो पहाड़ी है ये भी चेंज हो सकती है, जो पहाड़ी सी बनी हुई है, ठीक है। और इसके बाद आ जाता है एरिया, एरिया प्रॉपर्टी। एरिया प्रॉपर्टी में आपको ध्यान से देखना है कि ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन थे ना माइनस वन एंड प्लस वन, इसके अंदर जो एरिया आता है वो आता है 68%। अगर टू मीन प्लस माइनस टू स्टैंडर्ड डेविएशन देखें तो उसके अंदर एरिया आ जाता है, ये प्लस टू स्टैंडर्ड डेविएशन लगा हुआ है उसके अंदर एरिया आ जाता है 95%। और अगर वैसे ही मीन प्लस माइनस थ्री स्टैंडर्ड डेविएशन देखें, मतलब ये वाला एरिया, तो इसके अंदर कितना आ जाता है, 99.7% एरिया। तो कहने की बात ये है कि जैसे जैसे हम वो बढ़ाते रहते हैं ना,
इसकी रेंज वैसे वैसे जो एरिया है वो ज़्यादा कवर करता है ये, ठीक है। तो ये फिगर्स आपको याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको आगे काम में आएंगी। अगर आप रिसर्च वर्क कर रहे हो तो बहुत ही ज़्यादा काम में आएंगी। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।